अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ यकीनन ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उन सब लोगों के लिए जिनको कफ है, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी मेडिसिन से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बलगम बहुत ज़्यादा हो चुका है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उन सब के लिए ये रेमेडी है आज की हमारी, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ये एक बार इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और फ़र्क महसूस होगा। ये बिल्कुल मैं आजमा चुकी हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपके किचन में से ही आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, कोई भी ये रेमेडी बना सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जिंजर, ठीक है गाइस, जिंजर का हम ये वाला पीस ले लेंगे, ये आप देख सकते हैं इतना सा पीस आपने लेना है। अब इसे हम पील कर लेंगे, पील के बाद हम ग्रेट कर लेंगे। अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं कहवा कैसे बनाना है। आपने एक पैन ले लेना है और उसमें आपने 1/2 लीटर पानी का ऐड कर देना है। इसी के साथ हमने जो ग्रेट किया था अदरक, इसमें हम ऐड कर देंगे। 2 इसमें सब्ज इलायची की ऐड कर देंगे, इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप एक दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे। अब हम इस कहवे को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा कहवा आज रेडी होगा, आपकी खांसी जितनी भी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। जैसे कि आजकल बहुत से वायरस आए हुए हैं, ठीक है, और उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, लंग्स को जो है वो क्लीन करता है और आपका जितना भी बलगम है वो ठीक हो जाएगा इस कहवे से। इसलिए मैं ये रेफर करूंगी कि आप सब ये ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, और आजकल तो बहुत हर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, तो ये बहुत अच्छा है। और किस तरह से आपने ये पीना है और कितने टाइम, ये मैं आपको बताती हूँ जैसे ये रेडी हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसे तकरीबन हम 10 मिनट जो है वो बॉईल करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से फिर जब रेडी हो जाएगा तो हम इसे स्ट्रेन करके आउट कर लेंगे। जैसे ही गाइस बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को लेकिन इसको क्रश करके आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है, ये हमने ऐड कर दी ब्लैक पेपर। बच्चे हो या किसी भी एज के जो लोग हैं वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पी सकते हैं, आपको इससे फायदा ही पहुंचेगा। 5 मिनट इस कहवे को पकते हुए हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये कम भी होता जा रहा है, तो बहुत अच्छे से ये जो है आप पे असर भी करेगा और आपका जो इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, खास तौर पे जो कफ है वो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा, आप ज़रूर ज़रूर जो है ये पी के देखें, एक बार आजमा लें इस रेमेडी को, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आराम आ जाएगा। मेडिसिन तो हम खाते हैं लेकिन मेडिसिन से ये होता है कि अगर आप 1 से 2 बार मेडिसिन लेते हैं फ्लू में, तो जुकाम जो है वो बलगम आपका जो है वो गले में जो है वो जमा देता है, ठीक है, और उस वजह से आपको कफ आती है। तो इसलिए ये जो है कहवा
इससे आपका जो चेस्ट इन्फेक्शन जितना भी बलगम है वो सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस हमें 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा कहवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। 2 कप लेंगे हम। अब हम जो है स्ट्रेन करके इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले हम जो है 1 टीस्पून में इसमें लेमन का ऐड कर दूंगी। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और हम कहवा जो रेडी किया है इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कहवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, मैंने कप में भी डाल दिया है और अब हम इसे एक दफा मिक्स कर लेंगे। पीने से पहले आपने भी मिक्स कर लेना है। इसको पीने का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले इसे पीना है, उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि आपको अच्छे से इस कहवे का असर हो सके। ठीक है, आप दिन में एक बार ये पी सकते हैं, 2 बार भी पी सकते हैं सुबह शाम। ठीक है, और रात को सोने से पहले तो लाजमी है कि आपने पीना है। आपको इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। पहली ही बार के इस्तेमाल से आपकी खांसी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा इसको पीने से। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमें पता चलता है कि आप हमारी रेमेडीज़ को रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी ये रेसिपी लगेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसे पीने से पहले। आप ज़रूर दुआ देंगे। तो गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।